हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अश्विन और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 एर 6q+5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। तो पहले इस फॉर्मेट को हम समझ लेते हैं कि ये फॉर्मेट कैसा दिखता है। ठीक है, तो फॉर्मेट होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बनेगा ए इक्वल टू 6q+1। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो रिमाइंडर है वो 1 है और जो डिवाइज़र है वो 6 है। ठीक है, तो हमारे पास एक रेंज होता है आर का, वो रेंज होता है 0 टू आर, और ये बी से छोटा होता है। बी मतलब कि ये 6, तो ये 6 से छोटा होगा, तो इसका मतलब है कि जो आर की वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो ऑड इंटीजर का मतलब क्या होता है। तो किसी भी नंबर, अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 है तो वो एक इवन इंटीजर होगा, और हर इवन इंटीजर के बाद में एक ऑड नंबर आता है। ठीक है, तो इवन इंटीजर को लिखते कैसे हैं, तो इवन इंटीजर को लिखते हैं 2q के फॉर्मेट में। तो अगर कोई भी क्वेश्चन 2q के फॉर्मेट में है तो वो एक क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, और इसके बाद कोई भी नंबर आएगा तो वो ऑड नंबर होगा। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर, तो वो कैसे होगा, 2q+1। तो अगर मैं इन क्वेश्चंस को, मतलब 6q+1, 6q+3 और 6q+5 को मैं इस फॉर्मेट में लेके आ जाऊँ, 2q+1 के फॉर्मेट में, तो मैं इजिली बता सकता हूँ कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। ठीक है, तो हमको बताना है कि ये ऑड नंबर हैं क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है, तो मुझे इन क्वेश्चंस को कैसे लेके आना है, 2q+1 के फॉर्मेट में लेके आना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो एक एक करके हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ले लेते हैं कि लेट ए, मतलब जो नंबर है एक्चुअल में, बी एनी पॉजिटिव ऑड नंबर, पॉजिटिव ऑड नंबर। ठीक है, तो ए जो नंबर है, मतलब ये वाला नंबर है, वो एक कोई भी ऑड नंबर होगा। तो पहला नंबर है हमारे पास में 6q+1, तो अब हमको इसको 2q+1 के फॉर्मेट में लेके आना। तो कैसे ले सकते हैं, 2 × 3q+1। तो देखिए, यहाँ पास में ये हमारा b आ गया, ये जो 3q है ये q है, मतलब कोई भी सम इंटीजर वैल्यू, और ये 1। तो 3q को हम s फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, हम एक सिंपल फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं, कोई भी एक वैल्यू ले लो, K1 ले लेते हैं। चलो, तो K1 को हम ले लेते हैं 3Q। ठीक है, तो अगर इसको मैं फिर से इसमें पुट करूँ तो ये बनेगा 2K1+1। तो देख सकते हैं कि ये 2K1+1 जो है ये 2Q+1 के फॉर्मेट में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऑड नंबर है, हमारे तरफ से प्रूव्ड है। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व करते हैं, और हम सभी को 2Q+1 के फॉर्मेट में लेके आना है, मतलब इस फॉर्मेट में लेके आना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, 6q+3, तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 × 3q। ठीक है, अब मुझे 1 लेके आना है आखिर में 3 को, तो कैसे करूंगा, 2+1। तो अब मैं इसमें से 2 को कॉमन निकाल लेता हूं, तो मेरे को 2 बाहर निकल जाएगा और मुझे बचेगा 3q+1 और ये +1। तो ये 3q+1 क्या है, हमारा एक कोई भी इंटीजर है, तो हम इसको भी एक इजी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो K2 ले लेते हैं और 3Q+1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी एक इंटीजर है, तो अब इसको हम पुट कर लेते हैं इसमें, तो ये लिखेंगे 2K2+1। तो ये भी इसी फॉर्मेट में आ गया, मतलब ये भी एक ऑड नंबर हमारे तरफ से प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, 6Q+5। ठीक है, हमको इसको भी 2Q+1 के फॉर्मेट में लेके आना है, तो कैसे लिखेंगे, 2 × 3Q, तो ये कॉमन हो गया है। अब 1 चाहिए, 5 को ब्रेक करना है, तो कैसे लिख सकते हैं, 4+1। तो अब इसमें से क्या करेंगे, हम बाहर निकालेंगे 2, तो बचेगा 3Q+2+1। तो ये जो बचा है हमारा कोई भी सम इंटीजर है, तो इसको भी एक वैल्यू दे देते हैं, तो 3Q+2। तो अब इसको इजी फॉर्मेट में लिख के देखते हैं, तो ये बना K3+1। तो देखिए, ये भी एक नॉर्मल फॉर्म में बन चुका है, 2
क्यू प्लस वन के फॉर्मेट में, ठीक है? तो ये भी एक क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है? तो मैं इजली लिख सकता हूँ यहाँ पास में अब, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं, सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री एंड सिक्स क्यू प्लस फाइव आर ऑड नंबर्स, ठीक है? और इसके अलावा अगर इस पॉइंट पे कोई भी एक इवन नंबर अगर आता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक इवन नंबर कहलाएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा इसके लिए भी। तो अगर सिक्स क्यूब प्लस, मान लेता हूँ कि मेरा टू रिमाइंडर है, तो अगर मैं इसको फॉर्मेट को चेंज करता हूँ, ठीक है, तो कैसे लिख सकता हूँ, टू इंटू थ्री क्यूब प्लस टू, तो टू बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा थ्री क्यू, ठीक है, क्योंकि इसमें से तो पूरा बाहर निकल गया है ये, तो ये बनेगा वन। तो देखेंगे देखेंगे कि आप यहाँ पास में कुछ भी नहीं बच रहा है रिमाइंडर में, तो जीरो है। अगर इसको मैं लिखूंगा तो ये बनेगा टू क्यू के फॉर्मेट में, तो क्यू क्या है हमारा, ये बनेगा थ्री क्यू प्लस वन, ठीक है? तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब क्या है, अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है तो वो जरूर डिविजिबल बाय टू होगा। तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो इसके अलावा अगर कोई भी इसमें नंबर आते हैं, जैसे जो टू है रिमाइंडर में, फोर है रिमाइंडर में, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, तो जैसे जीरो था, टू था और ये फोर था, तो ये क्या होंगे, सारे के सारे इवन नंबर होंगे, और बचे हुए वन थ्री और फाइव क्या होंगे, एक ऑड नंबर होगा, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा भी अगर आपको इस प्रॉब्लम, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।